सर्वोदय इंडियन टाइम्स लुधियाना पंजाब 17 अप्रैल 2015। विश्व निर्धारित करे स्वर्णिम संसार या ब्रह्मांड का विनाश, डॉक्टर स्वामी ज्ञान प्रकाश। आदर्श मानव धर्म रक्षा मंच लुधियाना के प्रमुख दार्शनिक डॉक्टर स्वामी ज्ञान प्रकाश जी ने बुध वर्गीय लोगों को ब्रह्मांड का निरूपण करते हुए बोध कराया कि अनीतिपूर्ण कार्य यानी पाप कर्म के कारण धरती माँ रसातल जो नरक की 6वीं सीढ़ी है तक पहुंच चुकी है। उन्होंने न्यूटन के सीधे तीसरे सिद्धांत से बोध कराया कि क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। परिणामतः अब धरती माँ प्रलय की ओर अग्रसर है। अब वह समय आ चुका है जब विश्व को निर्धारित करना है कि उसे क्या करना चाहिए, स्वर्णिम संसार या ब्रह्मांड का विनाश। उन्होंने बोध कराया कि मनुष्य शरीर ब्रह्मांड का ही संक्षिप्त रूप है, जिसमें संकेत रूप में ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं का अनुभव किया जा सकता है। डॉक्टर प्रकाश जी ने वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार से अनुभव कराया कि दृश्य संसार जगत में 8 तत्वों वाली जड़वत प्रकृति, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, जिसे अष्टांग प्रकृति कहते हैं, ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली माता, आदि माता या माया है, और मात्र परम ब्रह्म की ही चेतन रूपी बीज को स्थापित करते हैं। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड के रचनाकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह चुके हैं कि मम योनिर्म हद्वहम तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। यह भागवत गीता के 14वें अध्याय से देखा जा सकता है। सांसारिक विज्ञान के अनुसार जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव है, अर्थात अष्टांग प्रकृति के से सारे सांसारिक प्रयोगशाला में एक सजीव कोशिका भी पैदा करना संभव नहीं है। इसी रहस्य को पहले ही श्री काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को परम तत्व का ज्ञान देते हुए सिद्धांत समझा चुके हैं कि जीवात्मा ईश्वर का अंश है, जो चेतन मल रहित और सभी सुखों की खान होती है। संक्षेप में डॉक्टर स्वामी जी ने बोध कराया कि ब्रह्मांड में अदृश्य रूप से दिव्य एवं बुरी शक्तियां विराजमान हैं। जीवात्मा दिव्य शक्तियों से निर्मित है, जबकि मन, बुद्धि तथा अहंकार में दोनों शक्तियों का मिश्रण होता है। वर्तमान समय चक्र में लगभग सभी लोगों का मन बुरी शक्तियों यानी मानसिक दोषों के वशीभूत हो चुका है, जिससे मानवता का मूल सिद्धांत लगभग लुप्त हो चुका है। मानवीय प्रमाद के कारण प्रकृति में नाना प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो चुकी हैं और आज संपूर्ण ब्रह्मांड विनाश की तरफ अग्रसर है, जिसको विवेक द्वारा सात्विक किया जा सकता है। डॉक्टर स्वामी जी ने 5 स्थूल तत्वों जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश के शुद्धिकरण का उपाय बताते हुए कहा कि गोमात्र का अपशिष्ट पदार्थ गोमूत्र और गोबर ही है, अन्य करोड़ों उपाय व्यर्थ होंगे। ठीक इसी प्रकार दिव्य तत्व बुद्धि, मन और अहंकार का शुद्धिकरण के लिए गोमूत्र, दूध और घी के साथ साथ सात्विक आहार, कंदमूल और फल को ग्रहण करते हुए सत्संग परम आवश्यक बताया।
और कहा कि पृथ्वी पर दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। यहाँ रोचक बात यह है कि ऐसा समीकरण बिना ब्रह्म श्री राम जी की कृपा के संभव ही नहीं है। प्रमाण के लिए अभिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। डॉक्टर स्वामी जी ने विश्व के सभी प्राणियों से हाथ जोड़कर निवेदन किए कि श्री राम नाम से विचलित न हो, बल्कि जिसका जिसने मन लगा हो उसी को आराध्य मानकर मानवीय गुणों को धारण करने का प्रयास करें। उन्होंने साथ साथ यह भी प्रमाणित किया कि बिना श्रद्धा के किसी धर्म यानी आदर्श मानव नीति का अस्तित्व संभव ही नहीं है। डॉक्टर स्वामी जी ज्ञान का प्रकाश डालते हुए सिद्ध किए कि सात्विक श्रद्धा आदर्श मानव नीति एवं वास्तविक विज्ञान के लिए अंतःकरण का शुद्धि परम आवश्यक है। आज वर्तमान अवस्था में लोग तामसिक धर्म में लिप्त हैं जो अर्थहीन हैं। अभी तक के सांसारिक इतिहास में अल्बर्ट आइंस्टाइन जी मात्र 7.5% मन का शुद्धिकरण कर विश्व के प्रथम सांसारिक वैज्ञानिक बने हैं। महान वैज्ञानिक न्यूटन जी को लगभग हम सभी जानते हैं। उन्होंने 50 वर्षों तक ईश्वर और उनकी शक्तियों पर शोध कर लगभग 4,500 पृष्ठ लिख चुके हैं, जिन्होंने बताया कि ईश्वर आदर्श है जबकि उनकी माया द्वारा रचित जीव वैसा नहीं है। प्रमाण के लिए दिव्य शक्तियों से प्रेरणा प्राप्त करने वाले महान दार्शनिक श्री अशोक घई जी की पुस्तक अ कॉस्मिक प्लान टू सेव द ह्यूमैनिटी को बुद्धिजीवी वर्ग तुरंत समीक्षा करे। उन्होंने बताया कि अदृश्य होने के कारण लगभग संसार के अधिकांश लोग बुरी शक्तियों के प्रभाव से अवगत ही नहीं है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ऐसे प्रश्न पर कि आप विलक्षण वैज्ञानिक होने के बावजूद सर्वत्याग सब कुछ का त्याग क्यों कर दिए, डॉक्टर स्वामी जी ने बताया कि बिना पूर्ण वैराग्य के वास्तविक ज्ञान और विज्ञान करोड़ों उपाय से भी संभव नहीं है। यह प्रमाणित सत्य है। डॉक्टर स्वामी जी सांसारिक विज्ञान को नश्वर शरीर का विज्ञान यानी अज्ञान नी साइंस पहले ही घोषित कर चुके हैं, जिसको pubs.saipub.com/ajbr/2/2/2 पर देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऐसे विज्ञान में अंतःकरण के शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं होती। इसमें लोभ रूपी मानसिक बीमारी के कारण लोग प्रतिष्ठा या नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कूटनीति तक का प्रयोग कर एक दूसरे का प्रयोगशाला भी नष्ट करा देते हैं। प्रमाण में डॉक्टर डुगलस पराशर के वास्तविक आविष्कार में 3 अन्य तथा कथित महापुरुषों को 2008 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है, जबकि मुख्य आविष्कारक को शटल बस का चालक बनना पड़ा। डॉक्टर प्रकाश जी ने सांसारिक विज्ञान वास्तविक ज्ञान की प्राथमिक सीढ़ी है, इसलिए यह अवश्य ही सम्मान के योग्य है। ज्ञान प्रकाश जी ने पूर्णतः बोध कराया कि वास्तविक विज्ञान रियल साइंस के लिए अंतःकरण का शुद्धिकरण कौन साइंस परम आवश्यक होता है, जिसके लिए अज्ञान के कारण पृथ्वी का एक भी प्राणी तैयार तक नहीं है। डॉक्टर स्वामी जी ने बोध कराया कि जनसाधारण से लेकर विश्व के समस्त बुद्धवर्गीय लोग भी, जैसे धर्मगुरु, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दार्शनिक, नोबेल वैज्ञानिक, साधु, साधक, विमुक्त, सिद्ध, उदासीन, संत, महंत, शंकराचार्य, कवि, कोविद, योगी, बैरागी, ज्ञानी, ऋषि, मुनि एवं धर्मपरायण पंडित तक बुरी शक्तियों का शिकार हो चुके हैं। वेदों, शास्त्रों एवं पुराणों के अलावा कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहब, जैन एवं बौद्ध धर्म की सहायता से सभी परमेश्वर के प्रतिनिधि मानव जाति को समझते समझते स्थूल शरीर छोड़कर जा चुके हैं। संबल में उपस्थित दिव्य शक्तियां 2012-13 के दौरान प्राकृतिक आपदा के रूप में संकेत दे चुकी हैं। अब भी यदि मानव जाति आत्मीय सिद्धांत का पालन करने से चूका तो परमेश्वर स्वयं सुपर मानव के रूप में किसी भी मनुष्य शरीर के द्वारा बुरी शक्तियों का विनाश करने आ जाएंगे। तब देश के
देश तबाही का शिकार हो जाएंगे, जिसमें 11 देश जैसे चीन, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, फिलीपींस, इटली, ब्रिटेन, ब्राजील और नाइजीरिया मुख्य रूप से प्रभावित होंगे। डॉक्टर स्वामी जी ने बताया कि सारी बातें विश्व के लगभग सभी धर्म ग्रंथों में वर्णित है। उन्हें भारतीय एवं विश्व प्रशासन के सभी लोगों से विनम्र अनुरोध किए कि सभी भ्रांतियों को दूर कर तत्काल एक मुलाकात का प्रयोजन व्यवस्थित करें और समय रहते किनारे से भी वापस स्वर्णिम संसार की रचना की तरफ मुड़ सकते हैं, अन्यथा समय निकल जाने पर प्रलय से मुक्ति संभव ही नहीं होगा। समस्त बुधवर्गीय लोगों को इस माध्यम से खुला शुभ अवसर दिया जा रहा है। अब विश्व निर्धारित करे उसे क्या करना चाहिए, स्वर्णिम संसार या ब्रह्मांड का विनाश। परहित का भाव रखने वाले विश्व के सभी महानुभाव से विनम्र निवेदन है कि जीवन मुक्त डॉक्टर स्वामी जी की प्रकाशित सभी संकलनों की समीक्षा कर परम कल्याण हेतु सुनील पुरी शमी जी, जिनका संपर्क नंबर है 9463112333, से संपर्क करें और श्रद्धापूर्वक सहयोग देकर अपने मनुष्य जीवन का परम लाभ उठाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। संसार का कल्याण हो, आदर्श मानव धर्म की स्थापना हो, मनुष्य को मानसिक रोगों से मुक्ति मिले, संसार का परम कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।